Hello everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel Snips Biology. So in this video we will discuss, as you all know, the microbiology question paper of CPT 2021. Hum log analysis karenge, answer ki bhi hum dekhenge. Okay, to achhe tarah se start se lekar end tak video dekhen, क्योंकि आप लोगों का तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है जो 2021 में दे चुके हैं, लेकिन 2022 वाले आएंगे. ओके, तो उनके लिए एनालिसिस बहुत ज़रूरी है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. एंड बिफोर डिस्कसिंग बोल देती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए. ओके, सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस व्हेनेवर अ न्यू वीडियो कम्स अप. सो लेट्स स्टार्ट. तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन में क्या है. बैक्टीरिया दैट रिटेन द क्रिस्टल वायलेट स्टेन एंड अपीयर पर्पल कलर अंडर माइक्रोस्कोप. ओके, तो वी नो दैट व्हेन वी परफॉर्म ग्राम स्टेनिंग विद क्रिस्टल वायलेट, पर्पल स्टेन इज रिटेन्ड बाय व्हाट? बाय द थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऑफ द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ओके, एंड द ग्राम नेगेटिव वंस. ओके, द बैक्टीरिया which are gram negative, they have the pinkish appearance under the light microscope, right? तो अगर यहाँ पे देखें कि कौन आपका क्रिस्टल वायलेट स्टेन को रिटेन कर रहा है, तो वो क्या होंगे? आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे. ओके, ऑप्शन सी. तो देखो बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो हमारे प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट, ओके, दोनों से आए हुए थे. तो दैट इज अ ग्रेट सक्सेस फॉर अस. ओके, तो आपको हमारा चैनल कैसे लग रहा है, आपको किस तरह से ये हेल्प कर रहा है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. ओके, ताकि हम लोग आप लोगों से कुछ फीडबैक ले सके, है कि नहीं. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर टू में. ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेल विदाउट अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस आर. ओके, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट? योर प्रोकैरियोट. ओके, सेल बट विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. ओके, प्रो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव. ओके, इल डेवलप्ड, राइट. कैरियन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस, है कि नहीं. तो इनमें से क्या है प्रोकैरियोट? आपका बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, राइट. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड सी. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री. बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजेला थ्रू आउट इट्स सरफेस. ओके, ये मैं भी डिस्कस की हूँ, श्वेता मैम भी डिस्कस की है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में ये आया है, है कि नहीं. तो मोनोट्राइकस का मतलब क्या होता है? कि एक फ्लैजेला एक पोल में, एक एंड में सिंगल फ्लैजेलम प्रेजेंट हो, है कि नहीं. फिर आपका आता है लोफोट्राइकस. लोफोट्राइकस का मतलब क्या होता है? मल्टीपल फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं बट एट द सेम स्पॉट. ओके, ऑन द बैक्टीरियल सरफेस. क्लियर. नेक्स्ट, पेरिट्राइकस का मतलब क्या होता है, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है? ओके, फ्लैजेला थ्रू आउट इट्स सरफेस. आर्ट्राइकस, जिसमें फ्लैजेला नहीं होता है, है कि नहीं. तो ऑप्शन थ्री में क्या होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री में आपका क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर फोर. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ओके, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या एब्सेंट होता है? तो देखो क्या होगा इसका आंसर, आपका एलपीएस मेम्ब्रेन. ओके, एलपीएस मतलब लिपोपॉलीसैकेराइड. ओके, तो दिस लिपोपॉलीसैकेराइड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट, एंड इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. क्लियर. येट द ट्रिगर अ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम सिमिलर टू दैट ऑफ विच इज इंड्यूस्ड बाय योर एलपीएस. ओके, दैट इज लिपोपॉलीसैकेराइड. ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एलपीएस मेम्ब्रेन. दिस इज द कैरेक्टर. ओके, दिस इज द पार्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज एब्सेंट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद सोयाबीन प्लांट्स. ओके, सिम्बायोसिस आपको पता है, तो इनमें से क्या होगा आपका आंसर? आपका ऑप्शन सी. ओके, ब्रैडी राइजोबियम. ओके, सिर्फ राइजोबियम नहीं होगा, ब्रैडी राइजोबियम जापोनिकम. ओके, विच बिलोंग्स टू द फैमिली योर राइजोबियासी, दैट इज अ ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, एंड दिस बैक्टीरिया एस्टैब्लिशेस सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द
व्हाट? सोयाबीन. सोयाबीन का बॉटनिकल नेम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स. ओके, सोयाबीन प्लांट एंड हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्लियर? तो याद रखना, ये ब्राडी राइजोबियम होगा, राइजोबियम नहीं होगा, ऑप्शन सी. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 6. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअल स्पोर? ओके, इनमें से क्या एक सेक्सुअल स्पोर नहीं है? तो दो तरह के स्पोर होते हैं, सेक्सुअल असेक्सुअल. तो अगर सेक्सुअल स्पोर की बात करें तो क्या होगा आपका? एस्कोस्पोर एंड योर बेसिडियोस्पोर. ओके, एस्कोस्पोर आर स्पेसिफिक टू व्हाट? योर एस्कोमाइसिटिस, राइट? एंड बेसिडियोस्पोर दे आर स्पेसिफिक टू बेसिडियोमाइसिटिस, एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड इन एस्काई एंड बेसिडिया रेस्पेक्टिवली, इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ फंजाई, राइट? तो ये दो हो गए आपके असेक्सुअल स्पोर. ओके, और बाकी रह गया आपका स्पोरांजियोफोर, दे आर द असेक्सुअल स्पोर्स. ओके, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी. क्लियर? यहाँ पे पूछा है ना, विच इज नॉट अ सेक्सुअल स्पोर, मतलब असेक्सुअल स्पोर कौन है. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. द कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग आर? ओके, कॉस्मिड्स, BAC, YAC. BAC मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ओके, सो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बोथ बी एंड सी, बिकॉज दे कैन क्लोन DNA फ्रेगमेंट्स ऑफ मोर देन 1 मिलियन बेस इन साइज. ओके, दैट्स वाई दे आर कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग. ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 8. मेसोसोम्स आर इनफोल्डिंग्स और इनवेजिनेशंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ओके, मेसोसोम्स किसके इनफोल्डिंग्स हैं? आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स हैं. ओके, तो ये मेसोसोम्स किसमें पाए जाते हैं? दीज आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके, एंड दे आर इनफोल्डिंग, हम बोल रहे हैं मतलब दे आर इनवर्डली फोल्डेड स्ट्रक्चर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड उनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन में वो हेल्प करते हैं. ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हियर, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. द वायरस दैट अटैक्स बैक्टीरिया आर कॉल्ड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एक, हम उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें बैक्टीरियोफेज बोलते हैं. ओके, PHAGE, ऑप्शन सी. क्लियर? बैक्टीरिया पैथोजन नहीं बोलते या फिर बैक्टीरियल वायरस नहीं बोलते, हम उन्हें बैक्टीरियोफेज या फिर फेज बोलते हैं. अंडरस्टूड? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10. अ कंडीशन इन विच द वायरस एंटर्स द होस्ट ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एज? ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेप्टिसेमिया. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? सेप्टिसेमिया मतलब ब्लड पॉइजनिंग विच इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया एंड देयर टॉक्सिन. फिर बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं. वायरेमिया, वायरेमिया, ल्यूकेमिया एंड पायेमिया. ओके, तो ल्यूकेमिया इट इज द कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू. ओके, फिर आपका आता है पायेमिया, इट इज द सेप्टिसेमिया बट कॉज्ड बाय द पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड एकॉम्पनीड बाय द मल्टीपल एब्सेसेस. ओके, क्लियर? तो यहाँ पे पूछा है कि ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जो वायरस करता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? तो सेप्टिसेमिया इज द बेस्ट आंसर. ओके, नॉट द पायेमिया. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस आर रिलेटेड टू COVID-19? ओके, तो SARS, MERS, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द एवर. ओके, तो कोविड मतलब कोरोना वायरस डिजीज 2019, है कि नहीं? कौन सा वायरस कॉज करता है? एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोरोना, राइट? तो SARS का फुल फॉर्म हमारा क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. MERS का क्या है? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ओके, तो अगर हम COVID-19 के केस हम देखें तो बोथ ऑफ दीज इन्फेक्शंस आर रिलेटेड टू व्हाट? योर COVID-19. क्लियर? तो बेटर होगा कि आप बोथ ए एंड बी देखें. ओके, तो मेजर आपका SARS है लेकिन MERS भी प्रेजेंट है. क्लियर? एज एन इन्फेक्शन. ओके, तो बेटर होगा कि आप बोथ ए एंड बी लिखें, ऑप्शन सी. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रेट्रोवायरसेस? ओके, तो रेट्रोवायरसेस में क्या होता है? आरएनए उनका जेनेटिक मटेरियल होता है. ओके,
एंड वो कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट, और बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग ऑटोनोमस रेप्लिकेशन इज कॉल्ड, ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसका किसका डेफिनेशन है ये, प्लाज्मिड का है कि नहीं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग 33% ए, 20% टी, 21% सी एंड 26% टी इज कॉल्ड, ओके, तो इसमें जी नहीं दिया हुआ है, शायद इसमें एक तो जी होनी चाहिए, है कि नहीं, तो छोड़ो वो जो भी है, तो दिस क्वेश्चन इज ओनली टू गिव यू सम कंफ्यूजन, ओके, टू एक्वायर सम ऑफ योर टाइम, क्लियर। तो आपको पता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में आपका जितना ए होता है, एडेनाइन जितना होगा, परसेंटेज ऑफ एडेनाइन इज इक्वल टू व्हाट, योर परसेंटेज ऑफ थायमिन, राइट, एंड परसेंटेज ऑफ गुआनाइन इज इक्वल टू योर परसेंटेज ऑफ साइटोसाइन, क्लियर। तो जो ऑप्शन ए आपका है, ओके, दैट इज इनकरेक्ट, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे हम ए इक्वल टू टी नहीं देख रहे हैं या सी इक्वल टू जी नहीं देख रहे हैं, जी तो यहाँ पे दिया भी नहीं हुआ है कि नहीं। तो नेक्स्ट अनदर थिंग, अगर आरएनए होगा तो आरएनए में क्या होता है, थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है कि नहीं, क्या होता है, यूरेसिल होता है, तो जो आरएनए वाला जो दो ऑप्शंस हैं सी एंड डी, दे विल बी इनकरेक्ट, ओके, और बच क्या गया आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, पर मैं बोलूंगी कि इसमें जी तो होनी चाहिए, ओके, क्लियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 15, डीएनए पॉलीमरेज वन हैज द फॉलोइंग फंक्शंस, मार्क द करेक्ट वन, ओके, तो अगर डीएनए पॉलीमरेज वन की अगर हम बात करें, ओके, तो ये क्या करता है, वो पॉलीमराइजेशन तो करता ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम, पर उसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ओके, दैट इज फॉर एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग रिस्पेक्टिवली, क्लियर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ओके। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 16, द टेलोमेरेज एंजाइम दैट सॉल्व्स द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम इन यूकैरियोट्स कंटेन, ओके, तो थोड़ा बोल देती हूँ टेलोमेरेज एंजाइम के बारे में। द टेलोमेरेज, इट इज द एंजाइम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द क्रोमोसोम एंड्स फ्रॉम शॉर्टनिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ओके, avoid the potentially catastrophic DNA loss, clear, so it has components, that is the protein TERT, T-E-R-T, telomerase reverse transcriptase, okay, so ek protein part reh gaya aur ek kya hai TR part, that is telomerase RNA, clear, so ek RNA hai, so RNA and protein aapka answer ho jayega, option A, clear. Next come to question number 17, which one of the following conditions arise when the level of glucose and lactose are high in lac operon, okay, ye ek important question hai, operon concept se ye aaya hai, to hame pata hai ki jab glucose level low hota hai, okay, then only the lactose metabolism works, right, and lactose metabolism jab kaam karta hai, then lactose gets converted to glucose and galactose, okay, but when glucose is already there, okay, is there any significance of lactose metabolism? No. Okay, it has no significant action in the cell and glucose will be taken up by the cell at first because of the inactivation of the lac operon. Okay, so yahan pe aapka answer kya ho jayega 17 mein? Kya? Aapka option A. Glucose will be taken up first by the cells. Clear? Now come to question number 18. Which of the following partial diploids will express beta galactosidase constitutively, okay, constitutively मतलब क्या होगा, हमेशा, okay, हमेशा लगातार वो produce beta galactosidase को express करता रहेगा, okay, constitutive gene के बारे में आप पढ़े हो, है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे हम कैसे decide करें, okay, तो यहाँ पे देखो O C है, O plus है, फिर आपका आई माइनस, लैक आई माइनस, लैक आई प्लस, लैक जेड प्लस, लैक जेड माइनस, इस तरह के हैं, एफ डैश है, एफ डैश मतलब प्लाज्मिड वेक्टर, ओके, एफ डैश प्लाज्मिड जो होता है, तो
तो मैं बता देती हूँ, सिर्फ बोल रही हूँ, ओके, लिख नहीं रही हूँ, क्लियर। बाद में एक क्लास कर लेंगे इसके बारे में, कैसे डिसाइड करें, ओके। तो देखो, ओसी मतलब क्या होता है कि जो ऑपरेटर है दैट इज डिफेक्टिव, ओके। द ऑपरेटर इज कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर विच इज इनसेंसिटिव टू लैक्टोज। ओ प्लस है मतलब द ऑपरेटर इज वाइल्ड टाइप, ओके। प्लस का मतलब है वाइल्ड, माइनस का मतलब क्या होता है आपका, म्यूटेंट, ओके। तो आई प्लस अगर है, मतलब आई क्या है आपका, रिप्रेसर, वाइल्ड टाइप रिप्रेसर है, ओके। यू नो लाइक आई, व्हाट इट डज, इट इनहिबिट्स द एमआरएनए प्रोडक्शन बाय द बाय सिंथेसाइजिंग द रिप्रेसर प्रोटीन, है कि नहीं। तो आई माइनस अगर आपका दिया हुआ है तो इट इज अ म्यूटेंट रिप्रेसर, ओके, व्हिच इज अनेबल टू बाइंड टू द ऑपरेटर, क्लियर। तो ये आपका हो गया कुछ सिंबल्स। फिर आपका आता है जेड प्लस जेड माइनस, ओके। तो अगर लैक जेड जेड माइनस है दैट मीन्स देर इज नो फंक्शनल प्रोटीन, ओके। दिस म्यूटेंट कैन बी इंड्यूस्ड बाई लैक्टोज बट कैन नॉट ग्रो ऑन लैक्टोज, ओके। अगर जेड प्लस है तो दैट कोड्स फॉर योर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ओके, प्राइमरीली विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेकेराइड, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट वी यू विल गेट, वी विल गेट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, है कि नहीं। तो अगर स्विच ऑन कंडीशन में हमें हमेशा इसे रखना है, ओके, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कॉन्स्टिट्यूटिवली हमें प्रोड्यूस करना है, तो व्हाट वी नीड, वी नीड जेड प्लस नेसेसरीली, ओके, एंड द ऑपरेटर, ओके, बी इट वाइल्ड टाइप और कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप, ओके। तो यहाँ पे क्या है, हमें ढूंढना है कि ओ प्लस सब में होनी चाहिए या फिर ओ सी ओ प्लस होनी चाहिए, लेकिन जेड प्लस दोनों में होनी चाहिए, ओके, और आई माइनस या फिर आई प्लस, ओके। आई माइनस जो रिप्रेसर है लैक आई, वो नहीं होनी चाहिए, ओके, बिकॉज इट विल इनहिबिट द एमआरएनए प्रोडक्शन बाय सिंथेसाइजिंग द रिप्रेसर प्रोटीन। लेकिन हमें चाहिए क्या कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्सप्रेस हो लगातार, है कि नहीं। तो आई जिसमें, जिस भी ऑप्शन में है वो नहीं होगा, और जिसमें जेड माइनस है वो ऑप्शन नहीं होगा, ओके। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन ए, क्लियर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर पूछना कमेंट सेक्शन में, क्लियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 19। इन प्रोटीन सिंथेसिस टीआरएनए कैरिंग द इनिशिएटिंग अमीनो एसिड एंटर्स इन व्हिच साइट ऑफ राइबोसोम, ओके। तो देखो, ए और पी साइट दोनों में कोई कोई कंफ्यूज हो जाते हैं अगर ठीक से पढ़े नहीं हो तो, ओके। तो वी नो देयर आर थ्री साइट्स ऑन राइबोसोम, ए पी एंड ई, ओके। एंड द फर्स्ट अमीनो एसिड हमारा क्या है, मिथियोनाइन, है कि नहीं। तो द फर्स्ट अमीनो एसिड मिथियोनाइन कैरिंग टीआरएनए दैट एंटर्स इन द मिडिल साइट ऑफ द राइबोसोम, ओके। तो मिडिल में आपका क्या आता है, आपका आता है पी, ओके। और उसके बाद जो सब आएंगे, जो भी कोडन्स आएंगे, दैट विल एंटर थ्रू द ए साइट, ओके। तो ध्यान में रखना है कि इसमें पी साइट होगा। यहाँ पे पूछा है कि इनिशिएटिंग अमीनो एसिड दैट इज द मिथियोनाइन, ओके, दैट एंटर्स थ्रू द पी साइट, ओके। सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 20। इन प्रोकैरियोट्स व्हिच सब यूनिट ऑफ राइबोसोम हैज पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, कौन सा सब यूनिट, आपका लार्जर सब यूनिट दैट इज द 50S सब यूनिट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। म्यूटेशंस विच डू नॉट कॉज एनी फंक्शनल चेंज इन द प्रोटीन इज नोन एज, ओके, कोई फंक्शनल चेंज नहीं हो रहा है मतलब साइलेंट म्यूटेशन हो रहा है, ओके। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपेयर्स थायमिन डाइमर्स, ओके। तो अगर थायमिन डाइमर की हम बात करें तो दीज कैन बी डन बाई टू मैकेनिज्म्स, एक है आपका फोटो रिएक्टिवेशन रिपेयर, दूसरा है आपका ऑक्सीजन बेस रिपेयर और बेस ऑक्सीजन रिपेयर, ओके। तो अमॉन्ग दीज ऑप्शंस, जो भी आपका ऑप्शंस दिए है, पी एंडो न्यूक्लियस म्यूट, एस म्यूटल, डीएनए फोटोलाइज, यूवीआर, एबीसी, ओके, तो क्या होगा, फोटो रिएक्टिवेटिंग एंजाइम आपका इसमें है डीएनए फोटोलाइज, ओके। तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इनमें से क्या नहीं है, ओके। तो क्या नहीं है आपका,
ग्लाइकोसाइलेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में तीन स्टेप होते हैं, दैट इज कैपिंग, एडेनिलेशन एंड स्प्लाइसिंग, है कि नहीं? तो क्या होगा आपका? ऑप्शन डी नहीं होगा, ये नहीं होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 24. आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू व्हिच साइट और रीजन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. ओके, तो कौन से साइट में वो बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज? फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इट बाइंड्स टू द डीएनए ऑफ द जीन एट अ रीजन व्हिच वी कॉल द प्रोमोटर. ओके, ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 25. Which of the following organisms is widely used as a biocontrol agent in organic farming? Okay, तो आपका है Rhizobium tropici, then Trichoderma viridis, फिर आपका है Fusarium accessporum, then आपका है Nostoc mucomoscorum. Okay, तो ये थोड़ा separate genus species करके देना चाहिए, लेकिन ये तो दिया ही नहीं है, छोड़ो उसे. तो देखो 25 का आंसर आपका क्या होगा? आपका ट्राइकोडर्मा विरिडिस होगा. ओके, दिस इज द फंगस एंड इट इज यूज्ड एज अ बायोकंट्रोल एजेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द फॉर्म ऑफ बायो फंजीसाइड. ओके, तो क्या होगा आपका? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 26. एंटीबॉडी इज द सेरम ऑफ अ नियोनेट विल बी. ओके, तो क्या होगा? जो नियोनेट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, दैट इज फ्रॉम द मदर, ओके, मैटरनल ओरिजिन, है कि नहीं? तो वहां पे क्या होता है कि जो IgA और IgM है, दे आर इन वेरी लिटिल अमाउंट, ओके, बट IgG इज इन हाई अमाउंट. ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 27. लैक ऑफ थाइमस लीड्स टू इंक्रीज्ड इन्फेक्शन इन ह्यूमन सच एज अ कंडीशन इज कॉल्ड. ओके, थाइमस अगर नहीं होगा तो ह्यूमन में इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, तो कौन सा कंडीशन अराइज होगा? तो यहाँ पे अराइज होता है आपका डाई जॉर्ज सिंड्रोम. ओके, ऑप्शन सी. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 28. इन अ ट्राइसोमिक इंडिविजुअल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज. ओके, ट्राइसोमी मतलब क्या होगा? एक एडिशनल क्रोमोसोम बेसिक सेट से प्रेजेंट होगा, राइट? तो क्या होगा? 2n+1. क्लियर? तो हो गया आपका ऑप्शन डी. इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे किए गए हैं, है कि नहीं? नेक्स्ट 29. देयर आर 3 जीन्स, ओके, ए बी एंड सी. इफ द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए बी इज 5%, बी सी इज 10%, देन कैलकुलेट द मैप डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड बी सी. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं बायोटेक्नोलॉजी और जो जेनेटिक्स का पार्ट है, ओके, उसमें बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन मैं की हुई हूँ. अगर 2020 से लेकर 2021 तक आप वीडियो देखें, ओके, तो मिल जाएगा आपको. तो देखो कि ए बी में 5% मैं बोली हूँ कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? योर मैप डिस्टेंस, है कि नहीं? जिसे हम सेंटीमॉर्गन या फिर मैप यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे सेंटीमॉर्गन में क्वेश्चन पूछा है, तो हम ए बी में लिख सकते हैं 5 सेंटीमॉर्गन, बी सी में लिख सकते हैं 10 सेंटीमॉर्गन, है कि नहीं? इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लेंथ बड़ा है. ओके, तो 29 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 30. इफ अ डिजीज इज वाई लिंक्ड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस आर करेक्ट? ओके, तो एक डिजीज अगर वाई लिंक्ड होता है, वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ मेल, ओके, एंड दैट वाई गोज टू मेल ओनली, है कि नहीं? तो जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा वो क्या होगा? वो मेल ही होगा, राइट? तो ट्रांसफर भी फ्रॉम मेल पेरेंट टू मेल चाइल्ड ही होगा. तो क्या होगा? ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 31. इनएक्टिवेशन ऑफ p53 लीड्स टू. ओके, तो p53 क्या है? ये एक ट्यूमर सप्रेसिंग जीन है. तो अगर ट्यूमर सप्रेसिंग जीन इनएक्टिवेट हो जा रहा है तो क्या होगा? ट्यूमर इंड्यूस होगा, है कि नहीं? ट्यूमर फॉर्मेशन होगा, राइट? तो ट्यूमर फॉर्मेशन क्या है? आपका अनरेगुलेटेड सेल साइकिल प्रोग्रेशन है, है कि नहीं? ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ p53 दैट विल लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन, व्हिच इज अल्टीमेटली ड्यू टू द अनरेगुलेटेड सेल साइकिल प्रोग्रेशन. ओके, तो हियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट. क्लियर?
Now, question number 32. In which phase of cell cycle there is duplication of genetic material? Direct question है. आपका कौन सा phase होगा? S phase. Okay? Now, come to question number 33. In eukaryotes, which of the following is not a second messenger? Okay? तो सेकेंड मैसेंजर क्या होते हैं? दे आर द इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स विच आर रिलीज बाई द सेल इन रिस्पॉन्स टू द एक्सपोजर टू एक्स्ट्रा सेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. जो एक्स्ट्रा सेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें हम फर्स्ट मैसेंजर बोल सकते हैं, है कि नहीं? तो इनमें से साइक्लिन को छोड़ के बाकी सब आपका सेकेंड मैसेंजर होते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. क्लियर? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी. नॉट ए पूछा है कि नहीं? नेक्स्ट 34. ड्यूरिंग जेनरेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन इज ड्यू टू. ओके, तो यू नो डीपोलराइजेशन इज कॉज्ड बाय द रैपिड राइज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ओके, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस? ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल टेक्स प्लेस इन द सेल्युलर मेम्ब्रेन, राइट? तो दैट विल रिजल्ट इन व्हाट? दैट विल रिजल्ट इन अ लार्ज इनफ्लक्स ऑफ योर सोडियम आयन. ओके, तो 34 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. क्लियर? Next come to question number 35. Transport of water across plasma membrane is regulated by. Okay, तो इसमें आपका confusion हो सकता है कि diffusion और aquaporins में. Clear? तो better आप यहाँ पे लिखो कि aquaporins, these are the protein regulated by पूछा है कि नहीं? Process नहीं पूछा है. Transport of water across plasma membrane is regulated by. तो that is regulated by what? Your aquaporins. Clear? 35 होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 36. द न्यूक्लियस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज द साइट ऑफ. ओके, तो यूकैरियोट में जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है, दैट इज इन द साइटोप्लाज्म. ट्रांसलेशन में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है कि नहीं? तो क्या होगा आपका? प्रोटीन सिंथेसिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द न्यूक्लियस. ओके, फोटोसिंथेसिस न्यूक्लियस में नहीं होता, साइटोप्लाज्म में होता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. द क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स दैट कंस्टिट्यूट द सेक्रेटरी पाथवे कैरिड आउट बाय जॉर्ज पैलेडे एंड हिज कलीग्स इज. ओके, तो सेक्रेटरी पाथवे, ये अगर एक्सपेरिमेंट आपको याद है तो आ जाएगा ये आंसर आपका. तो बता देती हूँ थोड़ा, अगर नहीं पता है. द रोल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन प्रोटीन प्रोसेसिंग ओके एंड सॉर्टिंग वॉज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द साइंटिस्ट जॉर्ज पैलेडे एंड हिज कलीग्स इन द ईयर ऑफ 1960s. ओके, एंड दे वर एबल टू स्टडी द पाथवे टेकन बाय द सिक्रेटेड प्रोटीन्स सिंपली बाय लेबलिंग न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स विद द रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड्स. क्लियर? एंड देयर एक्सपेरिमेंट लेड टू द कंसेप्ट ऑफ दिस सिक्रेटरी पाथवे. And that pathway includes what? पहले आपका आएगा rough endoplasmic reticulum, then फिर आपका आएगा Golgi, फिर आएगा secretory vesicles, then जाके आएगा cell exterior. Okay, this is the secretory pathway. Okay, अगर नहीं पता है दिमाग में फिट कर लो. Clear? Next come to question number 38. Which of the following enzymes do not occur in the lysosome? Okay, इनमें से क्या lysosome में दिखाई नहीं देता है? तो देर आर अबाउट 40 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विच अकर इन लाइसोसोम. ओके, एंड दे इंक्लूड द क्लास ऑफ व्हाट? योर प्रोटीएज, योर ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज, फिर आपका सल्फेटेज, फॉस्फेटेज, योर फॉस्फोलाइपेज. क्लियर? तो दीज क्लासेस आर इंक्लूडेड. ओके, दीज आर द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ओके विच आर फाउंड इन केस ऑफ लाइसोसोम. तो इनमें से क्या नहीं मिलता है? क्या नहीं मिलता है आपका? ऑप्शन डी, पॉलीमरेज. ओके, क्लियर? तो पॉलीमरेज आपका आंसर हो जाएगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 39. सेकेंडरी वाटर ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स. ओके, तो सेकेंडरी वाटर ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि नहीं? जहाँ पे हम जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उन्हें हम रिमूव करते हैं. ओके, तो क्या यूज करते हैं? एक्टिवेटेड स्लज एंड योर ट्रिकिंग फिल्टर, राइट? तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? आपका ऑप्शन सी. क्लियर? रिमूवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंपाउंड्स बाय एक्टिवेटेड स्लज और ट्रिकिंग फिल्टर. क्लियर? अंडरस्टूड? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 40.
The fungal disease that affect the internal organs and spread through the body are called, okay? So we call them what? Your systemic mycosis. Clear? क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन बी. क्लियर. नेक्स्ट 41. द स्टेनिंग टेक्निक यूज टू स्टेन द मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स ऑफ कॉरिने बैक्टेरियम. ओके, कौन सा स्टेनिंग टेक्निक यूज करते हैं जो कॉरिने बैक्टेरियम डिप्थेरिए, ओके, क्या कॉज करता है? डिप्थेरिया. ओके, तो जो स्टेनिंग टेक्निक हम यूज करते हैं, क्लियर, टू स्टेन दिस मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स ऑफ दिस व्हाट योर कॉरिने बैक्टेरियम, वी यूज विच टेक्निक? 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अल्बर्ट्स स्टेन. ओके, नेक्स्ट 42. व्हिच टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई इन्फ्लुएंजा वायरस. ओके, तो इन्फ्लुएंजा वायरस आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो प्लेक फॉर्मेशन होता है उस टेक्निक को हम यूज करते हैं. ओके, जनरली हम वायरल कल्चर टेस्ट यूज करते हैं. ओके, वेयर वी कंसिडर हियर द प्लेक फॉर्मेशन. क्लियर, देखते हैं प्लेक फॉर्मेशन होता है या नहीं होता है. ऑप्शन डी. नेक्स्ट 43. व्हिच स्ट्रेन ऑफ फंजाई इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन. ओके, नाम से पता चल जाएगा आप लोगों को अगर पढ़े हो एक बार भी, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज होगा. स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस जनरली यूज्ड, ओके, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 44. फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंड बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड वैक्सीन वॉज अगेंस्ट. ओके, यहाँ पे देखो फर्स्ट वैक्सीन क्या है पूछा नहीं है, पूछा है कि क्या फर्स्ट वैक्सीन है जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड है एंड बायोटेक्नोलॉजी मेथड से वो प्रोड्यूस किया गया है, तो क्या होगा? वो हेपेटाइटिस बी होगा, स्मॉल पॉक्स नहीं होगा. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 45. लायोफाइलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स. ओके, तो लायोफाइलाइजेशन में हम क्या करते हैं? वी रिमूव द वाटर. ओके, दैट इज यूज टू प्रिजर्व द फॉर प्रिजर्विंग द पेरिशेबल मटेरियल्स टू एक्सटेंड देयर सेल्फ लाइफ पीरियड. ओके, एंड ऑल्सो फॉर द ट्रांसपोर्ट convenience, right? So this technique is done by freezing the material, then reducing the pressure and adding heat to allow the frozen water in material to sublimate. Clear? So moist heat sterilization process जो है वो नहीं होगा. Okay? Clear? तो best यहाँ पे है, आप option अगर best option देखो तो freeze drying technique. Okay? Freeze drying technique is the important technique which is involved in the लायोफाइलाइजेशन प्रोसेस. ओके, ऑप्शन ए. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 46. डीएनए पॉलीमर इज यूज्ड इन पीसीआर टेक्निक इज आइसोलेटेड फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता है अबाउट टैग पॉलीमरेज, क्वेश्चन आंसर में डिस्कशन किए थे हम लोग. ओके, तो टैग पॉलीमरेज क्या है? एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है कि नहीं, एंड दैट इज यूज्ड इन द polymerase chain reaction technique, that is the PCR technique, and that is isolated from the bacterium thermus aquaticus. Okay, so kya hoga? Option B aapka ho jayega. Clear? Next 47. Non-leguminous plants carry out nitrogen fixation by. Okay, so wo kya karte hain? Nitrobacter. Okay, nitrobacter ka help lete hain non-leguminous plant to carry out their nitrogen fixation. Next 48. ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल टेक्स प्लेस इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग. ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि नहीं. नेक्स्ट, लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड. ओके, यू ऑल नो लाइकेन इज इक्वल टू व्हाट? योर एल्गी प्लस फंजाई, है कि नहीं? लाइकेन आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी. क्लियर, साइनोबैक्टीरिया नहीं होगा. क्लियर, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं होगा, सिर्फ एल्गी होगा. Understood? Now come to question number 50. Antibiotics are synthesized in which phase of the microbial growth? कौन से phase में synthesize होते हैं? आपका stationary phase में. Okay, option B. Clear? Next 51. The advantage of mycorrhizal association with plant roots. Okay, तो क्या advantages है? Basically आपका चार advantages हैं. First है कि mineral absorption. ओके, जैसे कि फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन हो गया फ्रॉम द सॉइल,
okay, and then passing it to the plant. Clear? So overall absorption of minerals. Clear? Next, also it provides resistance to root borne pathogens. Clear? तो ऑप्शन बी भी आपका सही हो जाएगा, है कि नहीं? तो बोथ ए एंड बी हो गया. लेकिन फूड भी एक हो सकता है फैक्टर, बट एज इट इज नॉट डिस्क्राइब्ड प्रॉपरली. ओके, हमें बोथ ए एंड बी ऑप्शन मिल रहा है तो हमें उसके साथ जानी चाहिए, है कि नहीं? फिर आपका और भी बहुत सारे बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं, जैसे कि एनहांसमेंट ऑफ टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट. ओके, इंडक्शन ऑफ ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्लियर? तो यहाँ पे आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा कि आप ऑप्शन बोथ ए एंड बी में आप जाएं. ओके, ऑप्शन सी. क्लियर? मिनरल एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव करता है, दैट इज द प्राइमरी पॉइंट. ओके, प्राइमरी एडवांटेज. क्लियर? ऑल्सो पैथोजेन से प्रोटेक्ट भी करता है, इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू रूट बोर्न पैथोजेंस. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 52. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एडिबल ग्रुप ऑफ मशरूम्स. ओके, तो इसमें जो भी ऑप्शंस हैं उनमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एमानिटा फालोइडिस. ओके, तो दिस एमानिटा फालोइडिस इज कॉल्ड एज द डेथ कैप और द डेथ कैप एमानिटा. ओके, क्लियर? तो क्या है ये? एक डेडली पॉइजनस वेस्टिडियोमाइसिटिस है. ओके, विच इज नॉट एट ऑल एडिबल. ओके, तो 52 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 53. द कोल्ड लविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड. ओके, ये डायरेक्ट आंसर आपका होगा क्या? ऑप्शन बी. क्लियर? दैट इज साइक्रोफाइल्स. क्लियर? साइक्रोफाइल्स. तो इनके ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर आपका होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, जो कि वेरी करता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 54. When the virus integrates its genome with the genetic material of host, such a condition is called what? Your prophase. Okay. तो comment section में बताओ कि कौन से life cycle में, okay, दो तरह के life cycle होते हैं virus का, lytic and lysogenic. तो कौन से life cycle में हम prophase के बारे में पढ़े हैं? Clear? तो देखो यहाँ पे answer क्या हो जाएगा? Option A. Now come to question number 55. Which one of the following is not a macronutrient for microorganisms? Okay, which is not a macronutrient? मतलब is a micronutrient. Okay, तो macro में आपका क्या क्या आ जाता है? आपका nitrogen, phosphorus, आपका sodium, calcium, magnesium, sulfur जैसे components आ जाते हैं. Okay, तो micro में क्या होगा? Cobalt होगा, है कि नहीं? Sulfur, potassium, magnesium ये सब आ गए आपका macro में. Clear? तो बच गया क्या आपका? कोबाल्ट. क्लियर? कोबाल्ट आता है आपका माइक्रो एलिमेंट में, माइक्रो न्यूट्रिएंट. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 56. इन अ माइक्रोबियल कल्चर अ लॉग फेज बिटवीन टू लैग फेजेस आर कॉल्ड व्हाट? योर डायऑक्सिक और द बाईफेजिक फेज. क्लियर? दैट इज द बाईफेजिक ग्रोथ और द डायऑक्सिक ग्रोथ. क्लियर? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज दिस डायऑक्सिक ग्रोथ? द इट कम्स in between the two growth stages, okay, which are separated by a log phase. Understood? Next, come to question number 57. The other name of glycolysis pathway is, ye simple, easy, bahut hi easy question hai, Embden-Meyerhof pathway hum bolte hain, EMP pathway jo hota hai. Clear? Next, 58. Which one of the following is not an eukaryote? Okay, तो सैक्रोमाइसिस आपका क्या है? ये एक फंगस है, है कि नहीं? ट्राइकोडर्मा क्या है? ये भी आपका एक फंगस है, राइट? फ्यूजरियम, फ्यूजरियम क्या है? दैट इज आल्सो अ फंगस, राइट? लेकिन साल्मोनेला व्हाट इज दैट? दैट इज अ बैक्टीरिया, है कि नहीं? साल्मोनेला टाइफी जो टाइफॉइड कॉज करता है, तो ये क्या है? एक प्रोकैरियोट है कि नहीं? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 59. ट्यूबरक्यूलोसिस इज कॉज्ड बाय व्हिच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ट्यूबरक्यूलोसिस कौन कॉज करता है आपका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, है कि नहीं? दैट इज द बैक्टीरिया, है कि नहीं? तो ऑप्शन ए. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 60. बैक्टीरियल स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल. ओके,
तो इथेनॉल प्रिपरेशन में आपका यहाँ पे पूछा है बैक्टीरियल स्पीसीज कौन सा है। ओके, बैक्टीरियल स्पीसीज तो दो स्पीशीज आपके जो इथेनॉल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जाइमोमोनस मोबिलिस एक है और एक है आपका सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। लेकिन यहाँ पे बैक्टीरियल पूछा है कि नहीं? तो क्या होगा आपका? जाइमोमोनस मोबिलिस होगा। सैक्रोमाइसिस क्या है? ईस्ट है कि नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? सॉरी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। द एंजाइम यूज्ड इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज। ओके, तो एलडीएच यूज होता है। ओके, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस यूज होता है। ओके, तो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजिनेस नहीं होगा, डिहाइड्रोजिनेस होगा। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 62। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। क्या नहीं होता है? ऑब्वियसली दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड और ट्रू न्यूक्लियस। ओके, तो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 63। अ स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ फंगल पैथोजेंस दैट इन्फेक्ट्स द होस्ट इज कॉल्ड। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन ए, हॉस्टोरियम। क्लियर? नेक्स्ट 64। ई कोलाई वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय। ओके, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। उसका नाम एस्चेरिचिया क्यों पड़ा? एज पर इट्स डिस्कवर। ओके, डॉक्टर थियोडोर एस्चेरिस। ओके, ही डिस्कवर्ड इट इन 1885। क्लियर? तो क्या होगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 65। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम। ओके, तो कॉमन इलेक्ट्रॉन सोर्सेस जो होते हैं आपका होता है टंगस्टन फिलामेंट, सॉलिड स्टेट क्रिस्टल, आपका फील्ड एमिशन गन। ओके, एज वेल एज योर मर्क्यूरी लैम्प ऑल्सो। क्लियर? तो बेटर होगा आप टंगस्टन मेटल लिखें। क्लियर? पर फिर भी आपका ऑप्शन ए एंड बी बोथ करेक्ट हो सकता है। ओके, तो बेस्ट आंसर आपका टंगस्टन मेटल हो सकता है, बट आज आपका ऑप्शन में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, तो गो विथ बोथ ए एंड बी। ओके, ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। ओके, इसने डिस्कवर किया था? एडवर्ड जेनर। ओके, ऑप्शन डी। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 67। स्पिरुलिना बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो स्पिरुलिना एक क्या है? इट इज अ सिंगल सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, है कि नहीं? तो दैट बिलोंग्स टू द ग्रुप व्हाट? योर सियानोफाइसी। क्लियर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 67। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 68। द डेंगू फीवर वायरस इज। ओके, ये एक कौन सा वायरस है? ये एक आपका आर्बो वायरस है। आर्बो वायरस मतलब द वायरस विच इज ट्रांसमिटेड बाय आर्थ्रोपोड वेक्टर। ओके, तो ये क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 69। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फंजाई। ओके, तो फंजाई में क्या सही नहीं है? कंटेन नो पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, हाँ, देन दे आर प्रोकैरियोटिक। ये तो हो गया आपका गलत, क्योंकि फंगाई आर यूकैरियोटिक, है कि नहीं? तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो गया। देन ससेप्टिबल टू ग्रिसियोफल्विन, ये सही है। दे एंड दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, ये भी सही है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन आपका 70। Attenuation of virus means, okay, तो attenuation process क्या होता है? It means weakening the disease causing virus in laboratory so that it cannot cause any disease further. Clear? Understood? It will help in developing the antibodies, but it will not cause any disease. Clear? तो attenuation का मतलब ये होता है कि weakening of the virus, okay, हम उसे मारते नहीं है, right? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी, ये ही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? किलिंग ऑफ वायरस नहीं होगा। ओके, तो दिस कंप्लीट्स योर माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस एज वेल एज योर आंसर की। एंड आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू एज वेल एज द अपकमिंग एंट्रेंस एग्जामिनेस ऑफ 2022। ओके, तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए, एक के बाद एक आप लोगों को सबका एनालिसिस मिल जाएगा। ओके, थोड़ा सब्र रखिए। क्लियर? एंड अनदर थिंग इज देयर। ओके, इफ
यू आर गेटिंग एनी डाउट, ओके आपको लग रहा है कि ये आंसर नहीं होगा क्लियर, तो ये क्यों नहीं होगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ओके ताकि हम उसे देख सकें, ओके उसे रिव्यू कर सकें, क्लियर। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है और हमारा वीडियोस से आपको कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, देन लाइक आवर वीडियोस, शेयर आवर वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन, ओके। एंड जो भी सब अपडेट्स हैं वो तो बेल आइकन दबाने से आपको मिल ही जाएगा, फिर भी आप टेलीग्राम यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पे हम आपको बहुत सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करने वाले हैं, ओके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, थैंक यू।